अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। क्या हाल है आप सबका? आई होप सब व्यूअर्स बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का जो ब्लॉग है मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ, शाम के 7 बजे हैं और अभी ऑफिस से मैं तकरीबन 5 मिनट हुए हैं, 5 से 10 मिनट हुए हैं मैं घर पहुँची हूँ ऑफिस से। चेंज कर लिया है और वैसे थकी तो मैं बहुत हूँ, लेकिन डिनर बनाऊंगी पहले, डिनर करके, क्योंकि भूख भी बहुत लग रही है। डिनर करके उसके बाद जो है फिर एक ही बार रेस्ट करेंगे और कोई स्पेसिफिक काम नहीं है, कहीं बाहर भी नहीं जाना। बस बेडशीट उतारी हुई थी, बेड की वॉश हुई है ना सारी बेडशीट्स, तो बेडशीट बस डालनी है और थोड़े से धुले हुए कपड़े उनको संभालना है। तो डिनर में आज क्या बनेगा? डिनर में आज जो है वो एक दाल बनाऊंगी मार्च की आई थिंक, और साथ में ना अपने लिए मैं बनाऊंगी कोई सब्जी, बिकॉज मुझे ना बहुत टाइम से सब्जी खाने का दिल कर रहा है। गर्मियाँ आ गई है ना, तो सब्जी, कोई ठंडी सब्जी जैसे कि कद्दू की सब्जी होती है या टींडे की सब्जी है, इस टाइप की कोई ना मुझे सब्जी खाने का दिल कर रहा है, रोटी के साथ और फ्रेश सैलेड के साथ। तो अभी पहले चलते हैं किचन में, थोड़ा सा काम करना है किचन का, उसके बाद जो है वो फिर अच्छा ये ना मेरे हस्बैंड ने इतना आज ने यहाँ पे लगा दिया दरवाजे के ऊपर, ये वो की हैंग करने के लिए लव लिखा उन्होंने दरवाजे पे लगा दिया, ताकि हम लोग अपनी जो कीज़ है ना गाड़ी की और घर की यहीं पर आते जाते लगा ले और हमारी कीज़ जो है ना वो गुमे ना। और वो पीछे आप देख रहे हो, एक मिनट, वो धुले हुए कपड़े सारे पड़े हुए हैं, तो उनको अभी जो है हम संभालूंगी मैं डिनर के बाद ही। पहले मैं जाती हूँ किचन में, थोड़े से पड़े हुई हैं डिशेस पड़ी हैं उनको साफ है, सिर्फ संभालना है ठीक है, और उसके बाद फिर मैं बाहर जाऊंगी कुछ सब्जी वगैरह लेने के लिए और फिर आके जो है फिर अपना डिनर रेडी करते हैं ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दाल माश जो है उसका मसाला मैंने रेडी कर लिया है और बस अब इसमें दाल डालनी है, दाल थोड़ी सी गलेगी और बस फिर रेडी हो जाएगी। और अब दूसरी साइड पर जो है वो मैं करने लगी हूँ अपनी सब्जी रेडी करने लगी हूँ। वो सब्जी आ गई, ले आई थी मैं बाहर से खुद ही, और बस उसको मैंने अभी कट किया है, वॉश करके कट किया है और अब जो है उसका भी मसाला रेडी करते हैं और फिर खाना एक ही बार बना लूँ ना, फिर मैं आपके साथ फाइनल लुक खाने का जो है डिनर का शेयर करूँगी ठीक है। अच्छा, सिंपल जो टमाटर का मसाला होता है ना, प्याज और टमाटर का जो सिंपल नॉर्मल खाने का मसाला होता है, वो बनाकर आपने इसमें दाल को ऐड कर देना है ठीक है। और इसमें ना आप दाल को हम भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि दाल जो है वो खुश्क हो जाए। जब दाल खुश्क होगी ना, फिर उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको गलने के लिए रखना और फिर एंड में कुछ सीजनिंग इसमें डलेंगी, वो मैं आपसे एंड में ही शेयर करूँगी ठीक है। तो ये देखिए, अब दाल जो है वो मेरी, उसको हल्के हल्के बबल्स आने स्टार्ट हो गए, इसको मैं भून के उसके बाद फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। ये बहुत अच्छी बनती है, बिल्कुल जो आप ढाबों पर नहीं खाते, जीटी रोड पे अक्सर हम ट्रैवल करते हैं तो ढाबों पे बड़ी फेमस माश की दाल होती है, ये उस टाइप की आपकी बनेगी। अच्छा, ये यहाँ पर ना इसको मैंने सब्जी को ऐड कर दिया था मसाले में और इसमें पानी आपने नहीं डालना, ये अपने ही पानी में ना गल जाते हैं ठीक है। इसको मैं आप कवर कर देती हूँ और इस साइड पे जो है ना हमारी बन गई है, ऑलमोस्ट रेडी हो गई है दाल। अच्छा जी, तो अभी मैं ये इन केक्स को कहीं पे ठिकाने लगाने लगी हूँ। ये कल इब्तिहाज की पोस्ट बर्थडे सेलिब्रेशन की थी, इनके कुछ फ्रेंड्स आए थे घर पे, तो वो सब केक लेके आए थे, तो ये आप देख सकते हो कितने ज़्यादा केक्स हैं। ये वाला मेरा फेवरेट है, दिस वन इज़ रेड वेलवेट केक फ्रॉम लेयर्स, और ये वाला था राहत से, और ये चॉकलेट चिप केक है, ये भी बहुत मज़े का था, एंड दिस वन इज़ फ्रॉम तहजीब, प्लेन ब्लैक फॉरेस्ट केक है ये। तो अब ये इतने सारे केक हैं, घर में हम दो लोग हैं, ऑब्वियसली दो तो हम नहीं खाएंगे, तो मैंने यही सोचा है कि मैं कुछ अपनी मम्मा के घर पे भिजवा देती हूँ ये, और कुछ जो है वो अपने इन लॉज की तरफ भिजवाती हूँ, बाकी थोड़ा सा ही मैं अपने लिए रखूँगी, 2 से 3 पीस जो कि हम आज ही खा रहे हैं क्योंकि कल ये खाने नहीं होंगे। तो ये सीन है, अभी इनको संभालते हैं और फिर जो है निकलेंगे हम कहीं बाहर। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अच्छा, आज का व्लॉग जो है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ रात से,
और अभी हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। 10 PM का शो है हमारा, सिनेपैक्स जा रहे हैं जिना पार्क वाले में। अच्छा, मूवी जो है वो आपको वैसे डिस्क्रिप्शन से तो पता लग ही जाएगा, मूवी है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। और आपको मैं मूवी देख के रिव्यू भी दूंगी, स्पॉयलर्स नहीं दूंगी, आपको रिव्यू करूंगी कि आपको देखनी चाहिए मूवी कैसी है, अच्छी है या नहीं अच्छी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, अगर आप लोग जस्ट ट्रेलर देख के जा रहे हो, क्योंकि ट्रेलर बहुत थ्रिलिंग है, बहुत मज़े का ट्रेलर है, तो अगर आप लोग ट्रेलर देख के मूवी देखने जा रहे हैं तो मैं आपको कहूँगी कि ऐसे मत जाएं अगर आपको डॉक्टर स्ट्रेंज का या मार्वल की पूरी हिस्ट्री का नहीं पता, ठीक है। अच्छा, ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ इस टाइम एक ऐसा बंदा जा रहा है जिसको मार्वल के बारे में कुछ भी नहीं पता, और इब्ताज मेरे साथ जो है सेकंड या थर्ड टाइम मार्वल की मूवी देख रहा है। एक बार इन्होंने मेरे साथ देखी थी मार्वल की थॉर रैग्नारॉक जो आई थी, थॉर रैग्नारॉक, और बहुत इंजॉय किया था मूवी को बहुत इंजॉय किया था। लेकिन घर आ गई, मुझसे पूछ रहे थे ये थॉर की स्टोरी क्या है, थॉर था कौन, तो इसलिए मैं सिनेपैक्स हम लोग पहुंच गए हैं, अभी तकरीबन 10 मिनट्स रहते हैं, टिकट्स लेके हॉल के अंदर भी जाना है और कुछ और भी साथ लेना है, खाना पीना भी करना है, तो जल्दी से अंदर चलते हैं और फिर जो है आपको मैं बताती हूँ कि टिकट वगैरह का क्या सीन है। अच्छा, वैसे आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे पे सिनेपैक्स की ना ऑफ़र चल रही होती है, आपको टिकट और साथ में पॉपकॉर्न आई थिंक एंड ड्रिंक ये मिलता है 700 का, और अगर आप खाली टिकट लेते हैं तो वो आपको कॉस्ट करेगा अराउंड 400 रुपीज़। तो खैर, अभी अंदर चलते हैं, जल्दी से 2 टिकट्स लेते हैं और उसके बाद फिर मैं आपसे डायरेक्ट मिलूँगी सिनेमा हॉल में। अच्छा, ये हमारे टिकट्स हैं, हम लोगों ने गोल्ड वाले टिकट्स लिए हैं, 550 का ये मिला है, वैसे आई थिंक ये 800 का है, लेकिन आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे में डिस्काउंट है तो 550 का है। और हमने किस स्क्रीन में जाना है, स्क्रीन कौन सी, स्क्रीन 5 है, 5 स्क्रीन कहाँ वो रही जी हमारी स्क्रीन, और मूवी आई थिंक स्टार्ट हो गई है, लेकिन 10 मिनट्स स्टार्ट में ऐड होते हैं, तो इस वजह से हम अपना फूड पिक करें। तो एक हम लोगों ने डील ऑर्डर की है, ये नगेट्स वाली जिसमें नगेट्स हैं, और एक फ्राइज वाली। पॉपकॉर्न जो है वो भी नहीं लिए, वो इंटरवल में आके ले लेंगे। खैर, ये भी चल रही है मूवी दम मस्तम, इसके रिव्यूज़ भी मैंने बहुत अच्छे सुने। और एक मूवी चल रही है उसका वो मुझे नहीं मिल रहा, हाँ ये पर्दे में रहने दो हानिया में की, इसके भी अच्छे रिव्यूज़ हैं। और एक सबा कमर की है, यार क्या नाम है उसका, घबराना नहीं है, वो भी मैंने सुना है काफ़ी अच्छी है। इवन जो ताज आपने चॉइस देख के क्या रिव्यू दिया है, गिर रहे नीचे ताज के प्राइस नीचे गिरे, और देखो तुम्हें इन्होंने वो डिन और वो डेनमार्क वाले दिए हैं, नगेट्स दिए हैं, और ये है मेरे फ्राइज, मुझे लग रहा है ओपा के फ्राइज हैं, नगेट्स तो ऑब्वियसली है। अंदर जाके खाना ना, ये हमारे ड्रिंक्स हैं। मूवी स्टार्ट हो गई है, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, अभी मैं उठी हूँ, आप लोग को देख के लग रहा होगा, और व्लॉग मैंने आज अपलोड करना था इन एनी केस, क्योंकि बहुत लेट हो गया है व्लॉग, तो आई थॉट कि पहले मैं जल्दी से अपने व्लॉग को कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद फिर जो है वो घर का कोई और काम कर लेंगे। और आज ना मेरी आईज़, आई डोंट नो, मेरी नींद पूरी भी हुई है, लेकिन फिर भी आप देखो कितनी पफी हुई हुई है, बहुत ज़्यादा पफी हुई हुई है, हालाँकि मैं रात को टाइम पर सो भी गई थी। खैर, अभी सीन ये है कि पहले मैं आप लोगों के साथ अपना व्लॉग रिव्यू शेयर करती हूँ मूवी का, व्लॉग कंप्लीट करेंगे उसके बाद फिर ये है कि मैंने थोड़ा सा ऑफिस का काम करना है, लेकिन ब्रेकफास्ट करने के बाद। अच्छा जी, तो मूवी हम देखने गए थे डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, और रिव्यू ये है कि मूवी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। मार्वल की मूवी ऑब्वियसली अच्छी ही होगी, लेकिन समझ ही नहीं आएगी तो जाना जो है वो आपका बेकार है, ठीक है। तो अगर आप लोग ऑलरेडी जो है वो मार्वल यूनिवर्स को फॉलो करते आ रहे हैं तो आप बेशक चले जाएं, जाके मूवी देखाएं, और अगर आप फिर भी देखना चाह रहे हैं लेकिन आप लोगों को मतलब मार्वल के रेगुलर फ़ैन आप नहीं हैं, तो आप एक काम करें कि कुछ मूवीज़ मैं आपको बताती हूँ, आप वो देख लें, ठीक है। तो उसके लिए ये इनफ होगा मूवी देखने के लिए, ठीक है। सबसे पहले आप डॉक्टर स्ट्रेंज देख लें, उसका ओरिजिन देख लें कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, और बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज है कौन, उसकी पावर्स क्या हैं,
उसके बाद आप देख ले एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, क्योंकि उसमें जो वांडा है ना, मतलब इस पूरी मूवी की विलन कह ले आप, विलन नहीं कह ले, ऑल दो शी इज नॉट विलन, वो एवेंजर्स की तरफ से काफी बार लड़ चुकी है, तो जो वांडा है आपको उसका ओरिजिन पता लग जाएगा एज ऑफ अल्ट्रॉन से, तो आप वो देख ले। अच्छा, उसके बाद आप देखें इन्फिनिटी वॉर देख लें, ठीक है, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, और उसके बाद एंड गेम भी आप देख लो जो एवेंजर्स एंड गेम है, ये चार मूवीज देख लें। और उसके बाद ना आप एक मार्वल की सीरीज आई थी वांडा विजन के नेम से, वो मैंने खैर पूरी देखी है, आपको पूरी वो स्टोरी विजन वांडा विजन जो है ना वो पूरी देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो सीरीज है तो मतलब उसके एपिसोड्स हैं, फायदा नहीं है, तो बेहतर है कि आप उसका ना रिव्यू ऑनलाइन सुन लें, उसकी स्टोरी पढ़ लें या सुन लें, आपको समझ आ जाएगी, दैट्स इट, वो इतना ज़रूरी नहीं है कि आप देखो, और उसके बाद आप जो है ये मूवी आराम से देखें, मज़े से देखें, आपको मज़ा भी आएगा देखने में। और फिर ना अभी मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आगे जो है ना मार्वल की बहुत मज़े की मूवी आने वाली है, मेरा फ़ोन आ गया आई थिंक, थॉर लव एंड थंडर, तो वो भी देखने वाली मूवी है, बहुत मज़े की मूवी है, तो उस ये सब मूवीज़ अगर आपने अभी देखी होंगी ना तो आपको वो मूवी भी समझ आ जाएगी। है मूवी बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया हमें, बहुत 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 इन्जॉय किया मैंने, और साथ साथ क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को बता भी रही थी तो उनको भी मूवी अच्छी लगी है, मूवी समझ भी आई है। तो व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अभी मैं नया व्लॉग जो है वो स्टार्ट करने लगी हूँ, आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट डे शेयर करूँगी, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें गाइस, अल्लाह हाफिज़।